अन्य देव की आराधना की गई कि भजन में बाधा न पड़े, व्यावहारिक बाधा पड़ने पर भी भजन में कहीं असुविधा होगी, इसलिए एक बात कही गई, अन्यथा प्रीति ठाकुर के प्रति रखनी चाहिए। प्रीति ठाकुर के प्रति नहीं करी तो अपन अपन स्थान प्रीति सभायता में अपने अपने स्थान पर सब अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करेंगे और तब बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा हुआ कि सत्यानाश, सब गया। इसलिए बंटवारा नहीं करना है। जहां सिर बेचा हुआ है ये सिर तो वही है, कहीं दूसरी जगह नहीं। ये हृदय में धारणा स्थापित करनी है, अन्यथा किसी दूसरी का प्रीति नहीं करना, केवल अपने भजन में बाधा न पड़े इसलिए किसी को प्रणाम कर रहे हैं। तुम भगवान की विभूति हो, हमारी अपेक्षा तो तुम में ज्यादा शक्ति है, हम तो जीव हैं, दीन हैं, तुम में ज्यादा शक्ति है इसलिए तुमको आदर दे रहे हैं। और वह भी एक स्थान पर, एक विशेष अवसर पर तुमको आदर दिया जा रहा है, ऐसा विचार करके हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वह भी भगवत प्रसादी वस्तु के द्वारा ही। तुम क्योंकि उनके अंश हो इसलिए प्रसादी वस्तु के द्वारा ही तुम्हारी सेवा की जाएगी, और तुम्हारी सेवा करके भी मुख्य जो फल है वह मुख्य फल चाहा जाएगा कि हमारे भजन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाए, और कृष्ण भजन जो कर रहे हैं उसका तुम आशीर्वाद हमको प्रदान करो, भजन हमारा बढ़े इसके लिए सद्भावना आशीर्वाद प्रदान करो, प्रोत्साहन हमको प्राप्त हो, इस तरह से भजन करते हुए विराजमान हो। तीन चीज, भगवत प्रसादी वस्तु से सेवा की जाएगी, देवता को भगवान का अंश माना जाएगा, और देवता से भजन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ही प्रार्थना की जाएगी, भजन को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाएगी। ऐसा करते हुए कोमल शुद्धा की स्थिति में, नैष्ठिक भजन न होने की स्थिति में किसी अन्य देव को प्रणाम किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ब्रजवासी जनों की एक बड़ी नित्य लीला पर करके एक बड़ी भारी स्तुति है। कृष्ण लीला में देखें तो लीला में वहां पर डेमी गॉड्स की खूब पूजा की जा रही है, कोई कात्यायनी देवी की पूजा कर रहा है, कोई देवी की पूजा करने के लिए नंद बाबा उस समय अंबिका बन जा रहे हैं, अंबिका देवी की पूजा कर रहे हैं, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई ब्रजवासी इंद्र की भी पूजा करते हुए पहले विराजमान है। तो जो नित्य लीला प्रकर देखें तो नित्य लीला प्रकर में भी कहीं अन्य देवताओं की पूजा करने का खूब कई प्रमाण मिल जाएंगे। परंतु हमारे आदर्श हैं श्री ब्रजवासी जन, हम तो रागन का भक्ति को पा सके हैं, हम तो ब्रजवासी जनों के आराधन हैं, परंतु उन ब्रजवासियों की यदि निष्ठा को देखें तो वे जो पूजा कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं। कात्यायनी की आराधना वे धन्यारी कन्यागण कात्यायनी की आराधना के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि कृष्ण प्रीति के लिए कर रही हैं। श्री ब्रजवासी जब यात्रा कर रहे हैं अंबिकावन की, उस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण नो प्रीत रस्तु में, जब ब्राह्मणों की पूजा करते हुए कुरुक्षेत्र जा रहे हैं और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, उस समय नंद बाबा प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण में हमारी प्रीति हो, देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से हमारी प्रीति हो, इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा ब्रज में, अरे इंद्र तू कृपा करके अच्छी तरह रखना, हमारे बाल बच्चे वाले हैं कन्हैया हैं उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आए, बालक के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आए। तत्वतः उनकी प्रीति कृष्ण में है, और अन्य देवताओं की पूजा तो केवल तात्कालिक और तत्स्थान उनके कारण है। देवताओं इन ब्रजवासियों का तीर्थाटन और इन ब्रजवासियों का अन्य देव पूजन या कोई भी तत्वता अन्याश्रय नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रीति इतनी बड़ी है कि उसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये भाव कृष्ण प्रीति को की रक्षा करने के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। परंतु इस बात को न समझ करके
यदि कोई ये गड़बड़ कर बैठे और उस आदर्श को लेकर के, उस मॉडल को लेकर के कि ब्रिजवासियों ने देवी जी की, गोपियों ने कात्यायनी की आराधना की, हम भी आराधना करें, यदि ये भाव लेकर के यदि वह पूजन करने लग जाएगा, शिव की पूजा या शिव पार्वती जी की पूजा या कात्यायनी की पूजा या इंद्र की पूजा या अन्य यज्ञ की पूजा ये करने के लिए बैठ जाएगा, तो भाव को तो उसने समझा नहीं, केवल चेष्टा का अनुकरण कर रहा है। चेष्टा का अनुकरण करने पर वो अन्याश्रय कर लेगा। ब्रज गोपी कारण ब्रजवासी जन कभी भी अन्याश्रय नहीं कर रहे हैं। हम यदि उनकी केवल चेष्टाओं का अनुकरण करेंगे और उस भाव पर नहीं पहुंचे हैं तो हम अन्याश्रयी हो जाएंगे, हमको अन्याश्रय का दोष लग जाएगा, इसलिए सावधानी रखनी है। तो असत क्रिया कुटनाटी छाणो अन्य परपाटी अन्य देवे ना कौरी हो रति। कुल मिलाकर के निष्कर्ष की बात तो यह है कि यदि ऐसा कर सकते हैं तो फिर करें, माने अन्य देवता की आराधना नहीं करनी है तो नहीं करना ही ज्यादा ठीक है, और उस समय मन में कोई क्लेश नहीं रहना चाहिए कि हाय हमने आराधना नहीं की, क्योंकि एक वैष्णव के हृदय में यह दृढ़ विश्वास रहेगा कि कृष्ण की पूजा करने पर सब देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है, अतः किसी देवता की हिम्मत नहीं कि एक वैष्णव के ऊपर वह आघात कर सके, ये विश्वास भी उसके हृदय में रहेगा, ये हिम्मत भी उसके पास में है कि जब मैंने कृष्ण की पूजा कर ली तो कृष्ण की पूजा में सब देवताओं की पूजा आ गई, इसलिए मुझे उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करके नैष्ठिक जब भक्ति उसके हृदय में उत्पन्न हो गई तो वह उन देवी देवताओं का स्वरूप का भी त्याग कर देगा और उसको दोष भी नहीं लगेगा, त्याग भी कर देगा और दूसरों उसको दोष लगेगा भी, त्याग करने का दोष भी नहीं लगेगा। यदि कृष्ण प्रीति के साथ में उसने समझौता किया तो गड़बड़ हो जाएगी, उसके लिए सावधान कर रहे हैं कि यदि प्रीति में बंटवारा किया तो आपन पाद स्थाने परीति सभायताने, अपने अपने स्थान में सब तो प्रीति खींचातानी करेगी और फिर भक्ति पथे पड़े विगति, फिर भक्ति पथ में विगति की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात व्यक्ति भक्ति पथ से च्युत होकर के भ्रष्ट होकर के फिर बार बार हर बार मिनट मिनट में देवताओं की आराधना करने लगेगा और कृष्ण को तो भूल जाएगा और मिनट मिनट में वो देवताओं की आराधना करने लगेगा, किसकी आराधना करो किसकी आराधना करो, ठाकुर जी का स्मरण तो करेगा नहीं और अन्य अन्य सबकी आराधना करने में वो लग जाएगा, तो भजन से विगति हो जाएगी। एक अमुक समय में उनका स्मरण कर लिया वो ठीक है, पूजा कर लिया, अब ये नहीं कि हर बार जा रहे हैं तो ब्रह्मा महाराज प्रांतकारी बोल रही है, ये कहां की बात, ठाकुर जी का स्मरण करके नारायण 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 कहकर के श्री कृष्ण कहकर के अपनी चलो, कोई भी कार्य करने के लिए भगवत स्मरण करके गुरुदेव को प्रणाम करके फिर उस समय हर जगह किसी देवी देवता की और कुलदेव को प्रणाम करके जा रहे हैं, ये इसकी जरूरत नहीं, सर्वदा उनका स्मरण करें सर्वदा नहीं, एक अमुक समय पर पूजा कर ली, तिथि आई पूजा कर ली, वो भी केवल भजन में बाधा न पड़े इसके लिए, कृष्ण प्रीति बढ़े इस आशीर्वाद को मांगते हुए, वो भी कोमल स्थिति में जब नैष्ठिक भजन हो गया तब उसका त्याग करते हुए इधर आए। तो असत क्रिया कुटनाटी छाड़ो अन्य परपाटी अन्य देव ना करी हो रति, आपन अपने स्थाने परीति सभायताने भक्ति पथे पड़े विगति। असत क्रिया का भी त्याग करना है, असत क्रिया का त्याग है कि यम और जो नियम बताए उनका त्याग करते हुए साधक को रहना चाहिए, यम नियमों का पालन करने से भजन में अनुकूलता की प्राप्ति होगी, वर्णाश्रम धर्म और यम नियम का पालन करने से भजन में अनुकूलता की प्राप्ति होगी, सत्वगुण की वृद्धि होगी, अन्यथा रजोगुण तमोगुण अत्यंत आ जाएंगे और भजन में बाधा पड़ेगी, इसलिए स्वाभिष्ट भाव में स्वाभिष्ट भाव संबंधी को तो अपनाना है परंतु स्वाभिष्ट भाव अनुकूल को भी अपनाना है,
का त्याग कर। ये भजन की रीति। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद चिंताय गौर हरि गोविंद।